1 लाख किलोग्राम गोल्ड, 1 लाख किलो गोल्ड। खबर सामने आ रही है आज भारत के हवाले से, ये बोला जा रहा है कि यूके से, इंग्लैंड से भारत अपना पूरा का पूरा 100 टन का सोना यानी कि 1 लाख किलोग्राम का सोना वापस मंगवा रहा है। आरबीआई ने ब्रिटेन से अपना 100 टन सोना वापस मंगाया। 1991 के बाद देश में ये पहला मौका है, 91 के बाद पहला मौका जब 100 टन गोल्ड भारत लाया गया है। 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार वापस आया गोल्ड। इतने बड़े पैमाने पर सोना भारत के भंडार में वापस आया है। रिजर्व बैंक के सोने के भंडार में 27.5 टन सोना बढ़ गया है। इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है। और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है। और करीब करीब अगले एक साल के अंदर द प्लान इज टू ब्रिंग बैक ऑल 413 टन बैक इनटू इंडिया। और इस वक्त अगर आप ये जाने कि इंडिया के पास टोटल कुल कितना गोल्ड है, तो इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। अगर मैं सेंट्रल बैंक का सोना, घरों में रखा हुआ सोना और मंदिरों में रखा हुआ सोने को कंबाइन कर लूं, तो जितना भारत के पास सोना उतना पूरा सोना दुनिया के पास मिलके नहीं। हुकूमतें हिंदुस्तान, भारत की हुकूमत का ये फैसला है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि वो अपना 100 टन गोल्ड, 1 लाख किलोग्राम गोल्ड, 1 लाख किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। और इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है। और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है। और ये गोल्ड, भारत का ये गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में मौजूद है एक डिपॉजिट की तरीके से। ऐसा क्यों है? तो देखिए, 1991 में ये किया गया था कि उस वक्त सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स थे और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए 1991 में भारत में, कि उन्होंने, उस वक्त की हुकूमत ने अपना गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में रिजर्व के तौर पर या डिपॉजिट के तौर पर रखने का फैसला किया। दोस्तों, खबर सामने आ रही है आज भारत के हवाले से, ये बोला जा रहा है कि यूके से, इंग्लैंड से भारत अपना पूरा का पूरा 100 टन का सोना यानी कि 1 लाख किलोग्राम का सोना वापस मंगवा रहा है, ऐसी अनाउंसमेंट कर दी गई है। अभी मजीद और भी सोना उनका वहां पर पड़ा हुआ है, लगभग 350 टन का सोना अभी भी इंग्लैंड के अंदर उनका मौजूद है, जो वो कह रहे हैं कि हम वक्फे के साथ उनसे लेते रहेंगे, जो 1991 में उनको सौंप दिया गया था एज अ डिपॉजिट, वहां पर रखवाया गया था एज अ रिजर्व, वहां पर रखवाया गया था। अब उन्होंने इंग्लैंड से ये बोला है कि हम इसकी सिक्योरिटी इंडिया में रहते हुए ही कर सकते हैं और अब हमें ये वापस कर दिया जाए, इसीलिए वो सोना वापस कंट्री के अंदर ही लाया जा रहा है। अभी मौजूदा की बात करूं तो लगभग 800 से 900 टन के दरमियान भारत के पास गोल्ड मौजूद है, भारत के गोल्ड रिजर्व्स बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस वक्त अगर आप ये जाने कि इंडिया के पास टोटल कुल कितना गोल्ड है, तो इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहा क्या जाता है? जब ब्रिटिश राज था तो उस वक्त वो ब्रिटिशर्स जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में, भारत में जो पहुंचे थे वो उसको सोने की चिड़िया समझ कर ही पहुंचे थे, और बहुत ज्यादा लूट मार करके इंग्लैंड भारत से, सब कॉन्टिनेंट से सोना, डायमंड्स, गोल्ड के जखायर लेकर चले गए। लेकिन अब वही भारत अपना 100 टन गोल्ड वापस इंग्लैंड से लेकर आ रहा है। लेकिन ये वो गोल्ड नहीं है कि जो वो चुरा कर लेकर गए, ये वो गोल्ड है जो कि भारत का ही गोल्ड है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 91 में उस वक्त की हुकूमत ने इसको इंग्लैंड के पास रखा था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने ही या भारत ने ही अपना गोल्ड जो है वो वहां पर रखा हो। दुनिया के कई एक ऐसे कंट्रीज हैं कि जिन्होंने अपना गोल्ड इंग्लैंड में रखा हुआ है। और वैसे तो इंग्लैंड के अपने, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड उसको इस्तेमाल कर सके या उससे बरतानिया को कोई खास बड़ा अपना जाती फायदा हो, क्योंकि बरतानिया के जो अपने गोल्ड के रिजर्व्स हैं वो तो काफी कम है।
भारत में वैसे तो गोल्ड की डिमांड बहुत होती है, कहते हैं कि जो भारत की खवातीन है, महिलाएं हैं, लेडीज हैं, वो गोल्ड को बहुत पसंद करती हैं। खैर ये तो आपको पता है कि उस रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर खास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया जो कि कभी एक ही हुआ करते थे, उनके अंदर ये शौक दोनों के अंदर बहुत ज्यादा वहां की खवातीन में पाया जाता है। वहां की फीमेल्स गोल्ड पहनना बहुत पसंद करती हैं और आप जानते, बल्कि अभी इसकी एक मिसाल ये है कि अभी जो मुकेश अंबानी है उनके बेटे की एक और प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है, ये सेकंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन उनकी होने जा रही है जो कि एक क्रूज पर होगी और उसके लिए जो इंतजाम किए गए हैं और उस शादी में जितना गोल्ड इस्तेमाल हो रहा है तो आंखें चदा चौंध हो जाती हैं वो गोल्ड देखकर। तो अब इसके अंदर जो कुछ और डिटेल्स आप जानना चाहें कि क्या वजह है, तो देखिए भारत ने ये फैसला किया, उनकी हुकूमत ने फैसला कर लिया, इसका फायदा क्या है कि वो क्यों ला रहे हैं वापस? तो इससे एक तो ये कि आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, किसी कंट्री की स्ट्रेंथ का पता चलता है और इस स्ट्रेंथ का पता चलता है कि हमारे पास सिक्योरिटी है, हम इसको अपने पास रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होगी ना कि भाई हमें ट्रस्ट है अपने कंट्री पर और अपने बैंक पर, जहां पर हमने ये रिजर्व रखने हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमें उस पर ट्रस्ट है, वो उसको रख सकते हैं, आप हमारा गोल्ड वापस कर दीजिए। आपको अगर अपना करेंसी ग्लोबल बनानी है, आपको सुपर पावर बनना, आपको चार चीजें चाहिए। पहले पास आपका स्ट्रांग इकोनॉमी है, वो है। दूसरी बात आपके पास स्ट्रांग मिलिट्री है, वो है। आपके आप तीसरी चीज आपको चाहिए आपका जियो पॉलिटिक्स में क्या स्टैचर है, वो है, क्योंकि हर इंटरनेशनल फोरम में हम हैं। चौथी चीज यहाँ जो गेम चेंजर है वो है, अगर दुनिया में आप अपनी करेंसी को ग्लोबल बनाएंगे तो दुनिया पूछेगा आपके पास सोना कितना है। अब रैंकिंग हमारी दुबई के सोने के आने के बाद तो छठे नंबर पे पहुंच गई, पर टॉप पे तो है नहीं। बोलेगा यार हम आप पे कैसे भरोसा करें, आपके और भी कंट्री है जिनके पास सोना है, उसका हमारे पास है। देखिए जहां माना कि इंडियन स्टेट इंडियन बैंक की सेंट्रल बैंक की रेटिंग छठे या सातवें नंबर पे आ जाएगी, मैं छठे पे मानता हूँ, पर वो तब भी यूएस जितनी तो है नहीं, पर उसका काट हमारे पास है। यूएस के पास मैंने आपको बोला था 8,000 किलो सोना है, पर आपको पता हमारे पास कितना सोना है? हमारे घरों में, क्योंकि गोल्ड हैज बीन नंबर टू आइटम इन आवर इंपोर्ट लिस्ट फॉर डेकेड्स, 25,000 टन सोना है, 25,000 टन सोना हमारे घरों में। हमारे मंदिरों में जो सोना रखा है वो करीब मतलब 8-10-15 हज़ार टन है, जो भी लॉक्ड है, जो किसी ने नहीं निकाला। और अगर मैं सेंट्रल बैंक का सोना, घरों में रखा हुआ सोना और मंदिरों में रखा हुआ सोने को कंबाइन कर लूं तो जितना भारत के पास सोना उतना पूरा सोना दुनिया के पास मिलके नहीं है। एंड इंडियन वुमेन टुडे होल्ड 11% ऑफ द टोटल गोल्ड प्रोड्यूस्ड इन द होल वर्ल्ड, 11% दुनिया में जितना अब तक का सोना, दैट इज एन इंडियन वुमेन। अब इसके अगेंस्ट यू कैन इशू योर करेंसी एंड योर करेंसी कैन बिकम ग्लोबल, ये चीज चाइना कर नहीं सकता। चाइना पैसे होके भी सोना नहीं खरीद सकता क्योंकि इतना सोना अवेलेबल है ही नहीं, मार्केट में सोना है ही नहीं, खरीदोगे कहां से? तो सोना खरीदने की जो कवायद है ये है, बिकॉज दिस गोल्ड विल एक्ट एज अ काउंटर बैलेंस टू योर करेंसी।